साथियों, आप सभी जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो पृथ्वी के किसी बर्फीले क्षेत्र की नहीं बल्कि चांद की धरती पर उतरे इंसानों की है जो चांद की धरती को फतह कर अमेरिका का झंडा लगा रहे हैं। जिस तरह से आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और फिर लैंडिंग पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह 54 साल पहले अपोलो 11 मिशन की लॉन्चिंग ने भी हर किसी को बहुत ही ज्यादा हैरान करके रख दिया था। यही वो मिशन था जिसमें कोई इंसान अपने प्लेनेट को छोड़कर चांद की धरती पर उतरा था। अपोलो मिशन में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांडर मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस, लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन, जो इस बेहद रिस्की सफर के दौरान बहुत ज्यादा उत्साहित तो थे, लेकिन चांद पर कदम रखने के मात्र चंद मिनट पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि धरती पर नासा मिशन कंट्रोल सेंटर में इस मिशन पर नजर गड़ाए वैज्ञानिक सकते में आ गए। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स को लगने लगा था कि अब वो पृथ्वी कभी वापस नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ था उनके साथ चांद की सतह पर, उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कैसे सभी उम्मीद खो देने के बाद भी ये धरती पर सही सलामत वापस लौट आए। दोस्तों, दिन था 16 जुलाई 1969। अपोलो 11 लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार था। एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके थे। पूरा वैज्ञानिकों का दल बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। इस पूरे मिशन को 10 लाख लोगों ने मिशन लॉन्चिंग पैड के बगल में खड़े होकर देखा था। इस मिशन को 7 करोड़ लोगों ने विभिन्न माध्यमों से देखा था। जब पूरा का पूरा अपोलो मिशन पूरी तरह ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था, सबको लग ही रहा था कि सब निर्धारित प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, तभी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को पता चला कि हमारा यान निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा है। हमारे लिए 4 सेकंड का समय भले ही कोई खास महत्व न रखता हो, पर अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की स्पीड से चल रहे यान के लिए मिशन को पूरा करने में बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है और उसके निर्धारित स्थान से मीलों दूर उसे पहुंचा सकता है। 4 सेकंड का मतलब था कि यान निर्धारित जगह पर लैंड नहीं करके कहीं और लैंड करने वाला था। दोस्तों, चंद्रमा का हर जगह यान उतारने के लायक नहीं है। वहाँ बड़े बड़े गड्ढे और बेहद ही उबड़ खाबड़ सतह मौजूद है। इससे टकराकर अपोलो मिशन का यान क्रैश भी हो सकता था। अब अंतरिक्ष यान और चांद की दूरी कुछ ही मील बची थी, तभी अंतरिक्ष यात्रियों के सामने एक और मुसीबत आ गई। दरअसल अपोलो का गाइडेंस कंप्यूटर खतरे का संकेत देने लगा। इसकी सूचना धरती पर भेजी गई, जिसके बाद नासा के कंट्रोल सेंटर में हड़कंप समझ गया। सब सोच में पड़ गए कि आखिर कंप्यूटर ऐसा संकेत क्यों दे रहा। थोड़ी जांच के बाद नीचे मौजूद वैज्ञानिकों ने ऊपर अंतरिक्ष में उड़ रहे अंतरिक्ष यात्रियों को बताया कि आपके यान में ओवरलोड बढ़ने के कारण आने वाला एरर है और इसे नजरअंदाज करने की सलाह दी गई। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे और फिर सबकी जान में जान आई। हालांकि जैसे ही वो सभी चांद पर लैंडिंग की तैयारी करने लगे, तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की नजर बाहर गई। उन्होंने देखा कि ऑटो पायलट कंप्यूटर एक बहुत बड़े गड्ढे के पास यान की लैंडिंग करवा रहा। उन्होंने तेजी दिखाई और यान के ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद करके उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। फिर उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढना शुरू किया जहां यान को बिना किसी नुकसान के उतारा जा पाए और इतनी सारी मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखने का समय आ गया और 20 जुलाई को ईगल यान की सही सलामत चांद पर लैंडिंग हो पाई। दोस्तों, पूरी प्लानिंग और बहुत सारे अध्ययन करने के बाद भी कई तरह की समस्या आने के कारण अमेरिका अब चांद पर मानव अभियान नहीं भेजना चाहता है। हालांकि भारत के चंद्रयान 3 के पहुंचने के बाद भारत मानव अभियान भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।